कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे, और बहुत बहुत धन्यवाद YouTube इतने अच्छे फ्रेंड देने के लिए। गुड मॉर्निंग, जय माता दी, कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज है दिन शुक्रवार, तारीख है 3 दिसंबर। तो यहाँ पे सुबह के टाइम नाश्ते की तैयारी हो रही है, तो पराठे बनेंगे, जिसके लिए मेरे पास मूली पड़ी थी वो कद्दूकस कर ली है मैंने, और थोड़ा सा पनीर पड़ा है, और प्याज और लहसुन जो चॉप करके रखे हुए हैं वो, तो सभी को मिक्स करके मैं बना रही हूँ पहले पराठे। बच्चे स्कूल जाएंगे तो इसलिए थोड़ी जल्दबाजी हो रही है, बच्चे दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे और बस का टाइम 7 बजे आ जाती है बस, लेकिन 2-3 दिन से पता नहीं आगे पीछे हो रही है, बस का फिक्स टाइम नहीं हो रहा है, तो थोड़ी जल्दबाजी भी रहती है। और बड़े वाला बेटा जाता है अलग स्कूल में, क्योंकि पहले तो एक ही स्कूल में जाते थे, बस आती थी तो इतनी दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब बड़े वाले बेटे को उससे भी दूर जाना पड़ता है, चंडीगढ़ जाता है, तो थोड़ा मुश्किल होता है। सुबह सुबह साधन भी नहीं मिलते यहाँ से, क्योंकि हमारा गाँव थोड़ा आउटसाइड में है, यहाँ पर सुबह सुबह ऑटो वगैरह भी नहीं मिलते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है। तो पहले उसी को ही दूँगी, क्योंकि उसे जाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, दूर जाना पड़ता है। और बड़े छोटे वाले बेटे की तो बस आती है, उसकी तो 7-7:15 के बीच में ही आएगी बस। तो यहाँ पे पराठे, सबसे पहला पराठा गौ माता के लिए निकाल दिया है, उसके बाद बच्चों को दूंगी। और पराठे गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं, वैसे ठंडे अच्छे नहीं लगते हो। आजकल सर्दियों में तो वैसे भी गर्मा गर्म पराठे और गर्मा गर्म चाय बहुत ही अच्छी लगती है, दही के साथ भी खा लेते हैं बच्चे, लेकिन आज चाय के साथ बोल रहे हैं। तो बस दूध में मैंने पत्ती डाल दी थी, मीठा डाल दिया था और अदरक डाल दिया था, बस दूध की ही चाय बना दी थी, क्योंकि बच्चे दूध नहीं पीते सुबह सुबह, पता नहीं क्या वो उल्टी का मन करता है उनका, शायद बोलते हैं बस में उल्टी का मन करता है, तो इसलिए पराठा और चाय ही बना कर दी है। तो बच्चों को दे दिया है, अब अपने लिए भी लगा लेते हैं, और काम बाकी बाद में ही होंगे, पहले गर्मा गर्म पराठे ही खा लेंगे, सर्दियों में अच्छे लगते हैं, मूली के पराठे हों आलू के पराठे हों। तो यहाँ पर अपनी प्लेट लगा दी है, आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म पराठे खा लीजिए। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं, और बच्चे जा चुके हैं स्कूल, तो झाड़ू पोछा करने के बाद काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे, और यहाँ पे मेरा सिलाई का काम चल रहा था। वैसे तकरीबन सूट तैयार हो ही चुका है, थोड़ा बहुत ही रहा है, लेकिन दोपहर के इस टाइम 12:30-1 का टाइम हो रहा है, और मुझे दोपहर का खाना बनाना है। बड़े वाले बेटे के जैसे पेपर चल रहे हैं तो वो जल्दी आ जाता है, और आज वो आ चुका है और उसे लग रही है भूख, और मैंने अभी ना दोपहर का खाना नहीं बनाया है, तो बस फटाफट से जो बनेगा वो है नमकीन चावल, खिचड़ी भी बोलते हैं हमारे, नमकीन चावल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे गाजर आलू मटर प्याज सभी कुछ ले लिया है मैंने, और अपने लिए बनाई है पहले चाय, तो साथ के साथ ही यहाँ पर नमकीन चावल बनने की तैयारी भी हो रही है, और चाय भी पीऊँगी। मटर वगैरह छील लेते हैं पहले, और एक ही गाजर ली है, बच्चे गाजर पसंद नहीं करते हैं, और आलू भी ले लिया है, एक प्याज भी मोटे मोटे ही काट लिए हैं। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद मेरे जो भी तैयारी होती है नमकीन चावल की, वो सभी कुछ तैयार हो चुका है, तो तड़का रख दिया है मैंने, और यहाँ पे इसमें तड़के में मैंने डाल दिए हैं, वैसे साबुत लाल मिर्ची ही डाली थी, और आलू गाजर मटर जो भी हैं सभी मिक्स कर लिए हैं, और फटाफट से बस जल्दी से जो बनने वाली होती है, क्योंकि बेटे को भूख लग रही है उस टाइम, फिर वो कहते हैं कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा मम्मा, तो यहाँ पर फटाफट से बस बना लेते हैं, 1-2 सीटी लगानी है इसमें तो जल्दी से बन जाएंगे। और 2 मिनट आलू गाजर 2 मिनट के लिए पकाए मैंने, और इसमें डाल दिए हैं अब चावल, चावल को भी 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकाऊंगी। तो अब डाल देते हैं इसमें पानी, और पानी डालकर लगा देते हैं इसका ढक्कन, तो जब तक बिसल आती है तब तक मुझे और काम भी करने हैं, जैसे सूट वगैरह की थोड़ी सी सिलाई पड़ी है वो भी करनी है, और बीच में ही मुझे दुकान पर भी जाना पड़ेगा, अभी बाहर कोई आया है। तो यहाँ पर ढक्कन लगा दिया है मैंने, जब तक चावल बनते हैं तब तक थोड़ा सा सिलाई का काम पड़ा है मेरा, वो कर लेते हैं। एक ही काम हो तो आराम से बैठकर हो जाता है, लेकिन बीच बीच में कभी दुकान पे, कभी घर का, कभी कुछ यही चलता रहता है मेरा पूरा दिन का, तो एक ही काम नहीं है फिक्स। और यहाँ पे सूट मेरा तैयार हो ही चुका है, बस पोंछे वगैरह ही बनाने बाकी हैं, और नमकीन चावल भी हमारे बन ही चुके हैं, सीटी आ चुकी है, बस गैस बंद कर दी है मैंने, तो देखते हैं खोल कर। तो यहाँ पे नमकीन चावल बन चुके हैं, गर्मा गर्म नमकीन चावल, लस्सी भी है, दही भी है, तो यहाँ पे घी डाल दिया है मैंने,
तो बेटे को दे देते हैं पहले, उसके बाद अपने भी लगा लेंगे प्लेट। और छोटे वाला बेटा भी लेट आएगा, बड़े वाला तो आ चुका है, छोटे वाला थोड़ा लेट आएगा, वो 3:30 के बीच में आती है उसकी बस। तो दोपहर का खाना खा लेते हैं, नमकीन चावल। और ये है रात का वीडियो। रात के वीडियो में यहाँ पे मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो जिसके लिए सूखी सब्जी ही बनेगी, आलू गोभी मटर गाजर, तो जिसके लिए मैंने तड़का रख लिया है। तो फटाफट से सब्जी बना लेते हैं पहले, क्योंकि और काम भी करने हैं। अभी सूट मेरा कंप्लीट हो चुका है, बस उसमें प्रेस मारनी रही है अभी। और आज वो लेने के लिए भी आए थे, लेकिन बाद में ही दूँगी, अभी प्रेस नहीं मारी थी, क्योंकि बीच में ही लाइट चली गई थी, तो फिर मुश्किल होता है थोड़ा। और दुकान पर कोई ना कोई आता रहा, तो टाइम भी नहीं मिला है जब लाइट आई थी। तो यहाँ पे पहले सब्जी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, आलू गोभी और गाजर की सब्जी है। बस आटा गूंथ कर रख दिया है, अब बनानी है रोटी। तब तक पहले और काम कर लेते हैं। हाँ जी, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? सुबह से वीडियो स्टार्ट है, लेकिन बात करने का टाइम ही नहीं मिला है। तो सूट कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे मारनी है इसमें प्रेस। तो सोचा चलो प्रेस भी मार लेते हैं और आप लोगों से भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये देखिए सूट कंप्लीट हो चुका है, देना है मुझे ये कल, तो कुछ बात भी कर लेते हैं, प्रेस बाद में ही मारूंगी। तो बागर गई थी तो वहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर मिले मुझे, सब्सक्राइबर भी हैं अभी, फ्रेंड भी हैं। फ्रेंड तो यूट्यूब की तरफ से ही बने हैं, देखो पहले सब्सक्राइब बने हैं फिर फ्रेंड बने हैं। तो धन्यवाद है यूट्यूब का, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से ही मुझे वो फ्रेंड मिले हैं। क्या नाम है उनके चैनल का? चैनल का नाम है पिनू लाइफ स्टाइल विद सुमनदीप। हाँ जी, सुमनदीप है उनका नाम। तो वही मुझे वहाँ पे बागड़ में मिले थे। मिले भी क्या, ऐसे वैसे सामने आमने सामने तो मैं कभी नहीं उनसे मिली हूँ, लेकिन हाँ जैसे मैं YouTube पे लाइव आई तो वो मेरी एलवी में आए और उन्होंने मैसेज किया, दिया आप कहाँ हो? तो मैंने बोला मैं बागड़ में हूँ। इत्तेफाक से वो भी बागड़ में ही आए हुए थे। तो उन्होंने बोला किस जगह पे हो? अब मुझे जगह का तो नाम, जगह का पता ही नहीं था, क्योंकि ऐसा है मैं पहली बार ही गई थी, मुझे ज़्यादा वहाँ के बारे में नहीं पता था। लेकिन हाँ, धर्मशाला जहाँ पे हम रुके थे वहाँ का मुझे पता था कि क्या नाम है। तो मैंने उन्हें धर्मशाला के बारे में बताया कि ये नाम है। तो फिर उन्होंने बोला मैं भी बागड़ आई हुई हूँ, तो आप लोग आपसे मिल सकती हूँ। तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो मिलेंगे, क्योंकि जब हम पहली बार ही कहीं पर जाते हैं तो दूसरे को क्या बताएं कहाँ पर हैं कहाँ पर नहीं। तो उनको देखिए, उनका प्यार लगा लीजिए, आप कुछ भी लगा लीजिए, बहुत ही अच्छे हैं। जो रात के 8:30-9 बजे का टाइम था, उस टाइम भी वो जहाँ पे हम थे और कहाँ पे वो होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ से वो ढूंढते हुए जहाँ जिस धर्मशाला में हम थे वहाँ पे पहुँचे। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। देखो इतने अच्छे फ्रेंड मुझे यूट्यूब की तरफ से मिले हैं, तो स्पेशली यूट्यूब का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि वरना आजकल किसके पास इतना टाइम है कि वो किसी से मिले। तो उनका बड़प्पन ही है जो वो मुझे मिलने के लिए आए। तो आप उनके चैनल पर भी जा सकते हैं, पिंडू लाइफस्टाइल विद सुमनदीप है उनका नाम, उनके चैनल का नाम। और बहुत ही अच्छे हैं वो, वीडियो भी बहुत अच्छे बनाते हैं। मैं उनकी वीडियो पे भी जाती हूँ, उनके चैनल पे जाती हूँ, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो मिलने के लिए आए। स्पेशल अगर आपको कोई मिलने के लिए आए तो कितनी बड़ी बात है। और फिर आप उनको जानते भी नहीं हो, सिर्फ यूट्यूब के जरिए ही जानते हैं। देखो यूट्यूब पे जैसे मैसेज वगैरह आते हैं, हम किसी के चैनल पर चले गए वो हमारे, या वो हमारे चैनल पर आ रहे हैं, तो बस, वरना ऐसे फेस टू फेस कभी नहीं मिले थे। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे उनसे मिलकर।
और इतनी रात को वो मिलने के लिए आए, वरना आजकल तो किसके पास कहाँ टाइम है। हमारे रिश्तेदार भी होंगे ना, तो वो भी इतना मिलने का नहीं करते हैं जितना उन्होंने किया। और आज के टाइम में तो वैसे भी जैसे मतलब विवाह है आज के टाइम में कोई किसी का नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतनी दूर से मिलने के लिए आए, इसमें उनका क्या फ़ायदा है अगर देखा जाए तो। लेकिन वो प्यार की बात है कि वो मिलने के लिए आए, और फिर से मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ जो स्पेशली वो मिलने के लिए इतनी दूर आए। तो चलिए फिर इस वीडियो का भी यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल पहले सूट पे प्रेस कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।